उत्तर प्रदेश और पुणे दौरे से रायपुर लौटने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर विमानतल पर मीडिया के प्रतिनिधियों से चर्चा की। उन्होंने सबसे पहले प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा की आज स्थापना हुई है। छत्तीसगढ़ राजभाषा और आगे बढ़ाने हमारी सरकार काम कर रही है। एयरपोर्ट में मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम भूपेश ने कहा कि आज महात्मा ज्योतिबा फूले सम्मान की 131वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके निवास स्थान में कार्यक्रम रखा गया था। महात्मा फूले समता सम्मान को बहुत बड़ा सम्मान देते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले बड़े बड़े लोगों को पुरस्कार सम्मान मिला है, सही मायने में यह सम्मान छत्तीसगढ़ को मिला है। उन्होंने कहा कि जिस समाज की कल्पना ज्योतिबा फूले ने की थी, छत्तीसगढ़ सरकार उस दिशा में काम कर रही है। पूरे जीवन भर उन्होंने जो शोषित पीड़ित दलित और किसानों के उत्थान के लिए कार्य किया है, किसानों के हक के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे, उसे भुलाया नहीं जा सकता। राजभाषा दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज छत्तीसगढ़ी भाषा के आज स्थापना हुई, सब पर बधाई। सब छत्तीसगढ़ के जतका भाषा भाषी 3 करोड़ से भी अधिक लोगन मन है, वो सब बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश चुनाव पर चर्चा में कहा कि प्रियंका गांधी ने अभी 3 बड़ी सभाएं की हैं, लोगों में कांग्रेस के प्रति बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की चाहत है, सभी लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बार बदली जाए। वहाँ के लोगों को उम्मीद है कि किरण प्रियंका में दिखाई दे रही है। सीएम भूपेश ने कहा कि कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी में लगातार अभी 3 बड़ी सभाएं प्रियंका जी के द्वारा, जिसमें गोरखपुर है, बनारस है और अभी बुंदेलखंड में, जो है बहुत उत्साह है लोगों में, परिवर्तन की चाहत है। सब लोग चाहते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार बदली जाए और उम्मीद की किरण में प्रियंका जी दिखाई दे रही हैं, तो लगातार कांग्रेस का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार पहले ही समय पर रोक लगा दी होती तो इतना नुकसान नहीं होता। तब नमस्ते ट्रंप हो रहा था, उसके चक्कर में देश भर के लोगों को इतना भुगतना पड़ रहा था कि सरकार को अब पहली और दूसरी गलती के बाद सबक ले लेना चाहिए। तीसरा वेरिएंट आ रहा है, वहां आवाजाही रोकी जाए, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के बराबर नियंत्रित किया जाए और चेक किया जाए। देखिए, यदि पहले ही समय में रोक दिए होते तो इतना नुकसान हमको नहीं होता। तब नमस्ते ट्रंप हो रहा था, नमस्ते ट्रंप के कारण और मध्य प्रदेश सरकार गिराने के चक्कर में वो देरी हुई और उसका नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़ा है। तो तीसरे वेरिएंट है, इसमें सबक ले लेना चाहिए पहली और दूसरी गलती के बाद। तो जो भी जिस देश से जो तीसरा वेरिएंट आ रहा है, वहाँ आवाजाही रोके जाए, अंतर्राष्ट्रीय जो यात्राएँ हैं उसको बराबर नियंत्रित किया जाए, चेक किया जाए जो भी आने जाने वाले लोग।